हाय, इश्क कितनी खूबसूरत चीज है। हेलो, क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ? अरे तुम मुझे बॉयफ्रेंड कह रही हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा। हाय, नहीं कर सकते तुम, अभी ठीक नहीं हुए तुम। जब तुम मुझसे मिलने आई थी, मैं जब ही ठीक हो गया था। अच्छा सुनो, तैयार हो जाओ फौरन, किसी अच्छी जगह, किसी रोमांटिक जगह पर हम दोनों अकेले खाना खाने चलते हैं। फजूल बातें ना करो, अभी तुम ठीक नहीं हुए और मैंने तुम्हारी अम्मी को देखा था। वो कहीं भी तुम्हें खाने पर नहीं जाने देंगी। कौन सी अम्मी? वो जो हमारी ऑर्गेनिक मार्केट में आई थी। वो मैंने मामला हल कर लिया है, इजाजत ले ली है। अरे ये हमारी पहली मुलाकात है। देखो मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह लेकर जाता हूँ जहाँ से बहुत रोमांटिक व्यू नजर आए। नहीं, अभी हम कहीं पे भी नहीं जा रहे। पहले ही तुम्हारा हॉस्पिटल में बहुत खर्चा हो चुका है, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसी जगह पर लेके जाऊंगी कि तुम हैरान रह जाओगे। ठीक है, तो फिर मैं 1 घंटे में पहुंचता हूँ तुम्हारे पास तुम्हें लेने के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। हाय अल्लाह, बहुत मजा आएगा। पक्की बात है, ये मुझे छोड़ देगा अभी और इसी वक्त छोड़ देगा। कसम से ये रिश्ता खत्म हो गया है। रिचा। हाय जानसू, हाय, शुक्र है कि तुम आई हो। क्यों यार, क्या हुआ? किसका इंतजार कर रही थी तुम? वो करीम आने वाला है, करीम का इंतजार कर रही थी। आज हमारी पहली डेट है। जानती हो मेरी और मर्द की भी आज पहली डेट है। रिचा, मैं पूछने वाली थी कि क्या मैं यहाँ पे तैयार हो सकती हूँ, बताओ। पागल हो तुम, बिल्कुल तैयार हो सकती हो यार, क्या कह रही हो ये? तुम्हारा अपना ही घर है यार। एंजॉय, बाय। मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरा इस तरह से इंतजार कर रही होगी। सरप्राइज के लिए तैयार हो? मैं हमेशा रहता हूँ। पहले तुम्हें घर पे सरप्राइज दिखाना है। तो डेट हमारी घर पर ही है। वाह। नहीं करो ना ऐसे, चलो आओ। मैंने ऐसा क्या कह दिया? बहुत ही मासूमाना बातें करता हूँ मैं तो हमेशा से। देखो अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं घर में आने नहीं दूंगी। चलो आओ। अरे उस्मान अंकल ना देख ले कहीं। इस तरफ से। ये सब क्या है? मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मेरे नसीब में आई? चलो खाएं। चलो खाओ। एक मिनट, क्या दवाइयाँ ली हैं तुमने अपनी? जो दवाइयाँ खाने से पहले लेनी थी। लूंगा मैं, मुझे नींद आ जाती है उससे। नहीं, तुम्हें खानी होंगी यार। अच्छा ठीक है भाई। शाबाश, ये दवा खाने का तुम्हारा इनाम है। अब खा सकते हो। तुम जानती हो मुझे पहले कभी किसी ने इतनी तवज्जो नहीं थी। मतलब कुछ दोस्त थे मेरे साथ, कुछ लड़कियां थीं, लेकिन
लेकिन कोई भी तुम्हारी तरह नहीं। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। चलो ठंडा हो जाएगा, अब खाना खाते हैं। अच्छा जरा इधर आओ मेरे पास। क्या? नहीं। अरे आओ ना, एक चीज ट्राई करूंगा। बिल्कुल नहीं, ये तो कुछ और ही है। क्या मतलब? पता नहीं, मतलब आज तक मैं बहुत शरारती बच्चा रहा करता था और मेरी जिंदगी में बहुत लड़कियां आई, यहां तक कि कई दफा मैं आशिकों की तरह दर बदर फिरता रहा। तो ये बहुत मुख्तलिफ है रिजा, और मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया। अपने आसपास के माहौल को चेक करो जरा, देखो ये नजारे, ये सब मेरे लिए मौजजे की तरह है। मोबाइल बंद कर लेते हैं, अभी इसी वक्त हम बाहर की दुनिया से अपना रابطہ खत्म कर रहे हैं। ठीक है। चलो सितारों को देखते हैं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुम्हें। तुम जब नहीं थे तो आसमान खाली सा लगता था करीब। क्या वाकई में? हाँ। मैं हमेशा कुछ सोचती थी, यानी मैं अपने बचपन से ये सोचती थी कि कोई मुझे चाहेगा या नहीं। मुझे कभी ऐसे मेरे घर वालों ने नहीं चाहा। थोड़ी पागल हूं ना मैं जानती हूं, इनकार नहीं कर रही मैं, लेकिन फिर भी तुम आ गए। मुझे इतनी शिद्दत से चाहा, मुझे यकीन ही नहीं आया। मैं तुमसे हमेशा दूर भागती रही, इसलिए मैं क्या तुम वाकई पागल हो? मैंने जिंदगी में ऐसा किया क्या जो तुम मिले मुझे?